हाई स्पीड प्रिंटिंग डज नॉट हैव टू बी एक्सपेंसिव, क्योंकि अब आ गया है रिको डिजिटल डुप्लीकेटर मॉडल नंबर DX2430। इस मल्टी कलर मशीन आया है बहुत सारे फीचर्स के साथ, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस, स्मार्ट पेपर फीड, इजी कलर रंग चेंज, ऑप्शनल पीसी कंट्रोलर। आप इस कॉपियर के जरिए क्वालिटी प्रिंट कर पाएंगे एट लो कॉस्ट, क्योंकि इसमें आप 90 कॉपीज पर मिनट प्रिंट निकल पाएंगे। इसके अलावा पीसी कंट्रोलर को यूज करके आप इस कॉपी प्रिंटर को एक हाई स्पीड प्रिंटर में तब्दील कर सकते हैं। ये मशीन पर आप थिन पेपर भी यूज कर सकते हैं, जो कि एज लाइट एज 35 GSM। इट सपोर्ट्स अप टू B4 पेपर साइज। डायमेंशंस है 1232x672x519mm और इसकी वजन है 55 kg। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। आज इस वीडियो पर कुछ देर में मैं रिको DX2430 जो कि एक डिजिटल डुप्लीकेटर है उसे अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और उसी के बाद कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और इसके साथ देख लेते हैं इसकी ओवरव्यू। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डिजिटल डुप्लीकेटर ऐसा बढ़िया बॉक्स पैक के साथ आता है। ये है इसकी मॉडल नंबर DX2430। बॉक्स पैक ओपन करते ही अंदर आपको मशीन पूरी तरह से प्लास्टिक में लिपटी हुई दिखाई देगी। अब इसके ऊपर से लगाए गए टेप्स को हटाया जा रहा है। ये रहा इस डिजिटल डुप्लीकेटर मशीन का कंट्रोल पैनल, जो कि देखने में बढ़िया लग रहा है। एक प्रीमियम सा फील महसूस की जा रही है। ये है इसकी ड्रम यूनिट। ये देखिए मशीन की ब्रांडिंग। अब चलिए छोटे छोटे पार्ट्स को फिट कर लेते हैं। ये है आउटपुट ट्रे, जिसे अब फिट किया जा रहा है जहां पर पेपर प्रिंट होके जमा होगी। ये मशीन की इस तरफ फिट किए जाते हैं। आउटपुट ट्रे फिट हो चुके हैं और ये रहा इनपुट ट्रे। जिसे अब मशीन की इस साइड पर फिट किया जा रहा है।
इस जगह पर मास्टर को सेट किए जाते हैं जो कि इस दोनों व्हील के जरिए बैठाए जाते हैं, जिसे अभी ऐसे ही यहाँ पर रख देना है, बाद में मास्टर करने के टाइम यूज करेंगे। ये रहा स्कैनर ट्रे। ये है पावर कॉर्ड। अब देख लेते हैं कि कैसे मास्टर को सेट किए जाते हैं। इसके लिए पहले आपको मास्टर रोल का स्टिकर को उठा के उसे ऐसा करके थोड़ा निकालना होगा और उस रोल का दोनों साइड पर दोनों व्हील्स को ऐसा करके फिट कर देना होगा। अब आपको इस कवर को उठाना है और रोल को इस तरह से बैठा के इसे यहाँ पर मार्किंग किए गए जगह पर लगा देना है। इसके बाद इससे इस तरह से लॉक कर देना है। ये था मास्टर लगाने का पूरा प्रोसेस। अब बारी है इंक यानी टोनर को कैसे लगाए जाते हैं वो जरा देख लेते हैं। इसके लिए आपको इस फ्रंट वाले डोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही ये निकल आएगा। अब आपको टोनर का जो बॉक्स है उसका कैप को ओपन कर लेना है और बगैर शेक किए ऐसा करके बैठा देना है और इसे प्रेस कर देना है। अब आपको इस डोर को बंद कर देना है। मास्टर को सेट तो किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मास्टर तैयार नहीं किए गए हैं। तो चलिए अब एक मास्टर को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट को उलट के स्कैनर के ऊपर ऐसा करके बैठाना है और कंट्रोल पैनल पर दिए गए मास्टर मेकिंग की को प्रेस कर देना है। ये देखिए डॉक्यूमेंट स्कैन होके स्कैनर ट्रे के ऊपर निकल रहा है। उसके बाद जब आप स्टार्ट के ऊपर प्रेस करोगे तो प्रिंट इस तरह से निकलते रहेगा। कंट्रोल पैनल से आप प्रिंट स्पीड को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। मेरे को 10 प्रिंट निकालना था। ये देखिए 10 प्रिंट निकल चुके हैं। अब चलिए ड्राम यूनिट को कैसे निकाला जाता है उसे जरा देख लेते हैं। इसके लिए आपको पहले फ्रंट डोर को ओपन कर लेना है और इस हैंडल को ऊपर उठा के सामने की तरफ लाना है जब तक ये लॉक होना जाए। अब आपको इस हैंडल को पकड़ के ड्राम यूनिट को बाहर लाना होगा। ड्राम को निकल के टेबल पर रखते समय से ऐसा करके उलट के रखना होगा और लगाने के समय इसे फिर उलट के अंदर जो रेल दिखाई देगा उसी के ऊपर बैठा के घुसा देना है और सामने वाला हैंडल को नीचे की तरफ प्रेस कर देना है ताकि वो लॉक हो जाए। इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूंगा और वो है, अगर आपका प्रिंट में कुछ लाइंस दिखाई दे रहा है इसे उठा के साफ सुथरा कपड़ा देकर इस जगह को इस तरह से क्लीन कर दीजिएगा तो आपका वो जो लाइंस आ रहा था वो नहीं आएगा। वेस्टेज टोनर जब मशीन से निकलते हैं तो इस ट्रे के अंदर जमा होती है। ये जब पूरा हो जाएगा तब मशीन सिग्नल देता है और आपको इसे निकल के बाहर खाली कर देना है और वापस उसी जगह पर उस ट्रे को लगा देना है।
था रिको डीएक्स 2430 की अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन। इस प्रिंटर प्रेस में या फिर कोई भी प्रिंटिंग आउटलेट्स पर यूज़ किए जा सकते हैं जॉब वर्क के लिए, जैसे कि लीफलेट, क्वेश्चन पेपर, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, वेडिंग कार्ड्स एट्सेट्रा। अगर प्रिंटिंग कॉस्ट के बारे में बताएं तो इसका ब्लैक प्रिंट कॉस्ट आता है 1000 प्रिंट में 76 रुपये और कलर प्रिंट कॉस्ट है 1000 प्रिंट में 200 रुपये। अब आता है इस डिजिटल डुप्लीकेटर की प्राइस। ये डिजिटल डुप्लीकेटर आपको 130,000 रुपये में मिलेगा विदाउट पीसी कनेक्टिविटी, और अगर आप विथ पीसी कनेक्टिविटी यानी पीसी कंट्रोलर के साथ इसे खरीदना चाहते हो तो आपको 160,000 रुपये में बाई करना होगा। लेकिन पीसी कंट्रोलर ऑप्शनल है, यानी आप इसे ले भी सकते हैं और नहीं भी। इस मशीन आपको फ्यूजन ऑटोमेशंस पर उपलब्ध है, जिसका पता और फ़ोन नंबर्स वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हो सके तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।